दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पत्नी की कौन सी संपत्ति पति को कभी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यह काफी एक इंटरेस्टिंग विषय है, काफी रोचक विषय है और इस विषय के बारे में हर व्यक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि पत्नी के पास में जो संपत्ति होती है और कौन सी संपत्ति जो रहती है वह संपत्ति पति को कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो यह सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि ए नाम का एक पति है और बी नाम की एक पत्नी है। सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे कि किसी भी पत्नी के पास में दो प्रकार की संपत्ति होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संपत्ति रहती है। एक होती है चल संपत्ति, ठीक है, और दूसरी जो होती है वह होती है अचल संपत्ति। कौन सी? दूसरी होती है अचल संपत्ति। अब चल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो देखिए, किसी भी महिला के पास में कोई जेवरात है, कोई मोबाइल फोन है, कोई रकम है, कोई रुपया है, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी संपत्ति जिसको कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उस संपत्ति को हम क्या कहेंगे? चल संपत्ति कहेंगे। अचल संपत्ति किसे कहते हैं? तो देखिए, अचल संपत्ति से मतलब होता है कि जैसे कोई प्लाट या कोई मकान या कोई जमीन, तो उस संपत्ति को क्या कहेंगे हम? अचल संपत्ति। तो किसी भी महिला के पास में या किसी भी व्यक्ति के पास में दो प्रकार की संपत्ति रहती है। पहली संपत्ति होती है चल संपत्ति, दूसरी होती है अचल संपत्ति। तो आज के वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं अचल संपत्ति के बारे में। अचल संपत्ति से मतलब होता है कि जिसे मान लेते हैं कि अगर ये पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है और इस पत्नी के पास में अगर कोई अचल संपत्ति आई है, अचल संपत्ति जैसे कि एक जमीन है, ठीक है, ये जमीन है या एक खेत है, ठीक है, ये जमीन जो है अगर इस पत्नी ने खरीदा है, क्या किया है? ये जमीन जो है इस पत्नी ने क्या किया है? खरीदा है। इस बी नाम की महिला जो है, इस एक की पत्नी जो है, इसने इस खेत को खरीदा है, ठीक है, और खरीदने के बाद में जब इसका नामांतरण हो जाता है, इस बी नाम की महिला का इस जमीन पर नामांतरण हो जाता है, उसके बाद में अगर इस बी नाम की महिला की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में क्या यह संपत्ति इसके पति को मिलेगी? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर इस जमीन के संबंध में, इस खेत के संबंध में, ठीक है, इस बी ने किसी व्यक्ति को वसीयत कर दी, क्या कर दिया है? इसकी वसीयत अगर कर दी है तो जिसके नाम पर इस बी ने वसीयत की है वह संपत्ति उस वसीयत ग्रहीता को प्राप्त होगी, अर्थात जिसके नाम पर इसने वसीयत की है उस व्यक्ति को उस संपत्ति को प्राप्त करने का पहला अधिकार रहेगा। अगर इस बी नाम की महिला ने इस जमीन के संबंध में किसी को वसीयत नहीं की है और ऐसी स्थिति में अगर इस बी नाम की महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यह संपत्ति जो है ये किसे प्राप्त होगी? ये जैसे बी नाम की महिला है, ठीक है, इसका क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई और इसने यह खेत जो है यह खरीदा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह जमीन जो है किस किस को मिलेगी? इसके कोई अगर पुत्र है, ठीक है, कोई पुत्र है, कितने भी पुत्र है, ठीक है, या पुत्रियां है, ठीक है, पुत्र है और पुत्रियां है और इसका पति है, ठीक है, किन किन लोगों को मिलेगी यह संपत्ति जो है अगर इस महिला ने खरीदी हुई संपत्ति है इसकी, ठीक है, और ऐसी स्थिति में इस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह संपत्ति जो है जितने भी पुत्र है, जितनी भी पुत्रियां हैं और जो इसका पति है, ठीक है, उन सभी लोगों में बराबर बराबर बटेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यह संपत्ति जो है यह पति को प्राप्त हो सकती है, लेकिन कभी भी नहीं मिलेगी। कौन सी संपत्ति नहीं मिलेगी उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब दूसरी संपत्ति जो रहती है कि अगर कोई संपत्ति जो है इस बी नाम की महिला को, ठीक है, इसके ससुर से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई? इसके अगर ससुर से प्राप्त हुई है, ठीक है, तो ससुर से अगर प्राप्त हुई है कोई संपत्ति और ऐसी स्थिति में अगर इस महिला ने उस संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है किसी भी व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में इस बी की मृत्यु के बाद में वह संपत्ति जो है वह इस बी नाम की महिला जो है इसके जितने भी पुत्र हैं उनको मिलेगी, जितनी भी पुत्री हैं उनको मिलेगी और इसका जो पति है उसको भी प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई संपत्ति जो है इस बी नाम की जो महिला है, इस ए की जो पत्नी है, इस ए की पत्नी को अगर कोई संपत्ति जो है, जैसे ये बी है, ठीक है, ये बी जो है इसके पिता जो है वो क्या है? डी है, या इसकी माँ जो है वह ई है, ठीक है, तो अगर इस डी से या इस ई से अगर इस बी को कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, इसको इस बी को कोई संपत्ति प्राप्त हुई, जैसे यह खेत जो है इस बी को कहां से प्राप्त हुआ है? इस डी की मृत्यु के बाद में या इस ई की मृत्यु के बाद में अगर इस बी को यह खेत प्राप्त हुआ है,
इस पत्नी को अगर ये खेत प्राप्त हुआ है ये वाला, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस बी की मृत्यु होती है, क्या होता है कि बी की अगर मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह संपत्ति जो है ये किसको मिलेगी, इसके पुत्र को और इसकी पुत्री को मिलेगी, किसको मिलेगी, इसके पुत्र को और इसकी पुत्री को मिलेगी। और अगर इसके कोई पुत्र भी नहीं है और इसकी कोई पुत्री भी नहीं है और इसका अगर पति है, कौन है इसका, अगर पति जीवित है, तो ऐसी स्थिति में ये संपत्ति जो है, ये जो है, ये संपत्ति जो है इसके पति को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे समझना है कि अगर किसी भी महिला को उसके पियर से अगर कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, जैसे कोई खेत है, कोई प्लाट है, कोई मकान है, अगर उसको उसके पिता से, उसके माता से या उसके भाइयों से अगर कोई प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में उस महिला ने उस संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत नहीं की है और अगर उसके बेटा बेटी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति जो है, जो कि उस महिला को उसके मायके से मिली है, उसके पियर से मिली है, वह संपत्ति जो है उसके पति को कभी भी नहीं मिलेगी और वह संपत्ति जो है फिर से कहां चली जाएगी, वह फिर से ये संपत्ति जाएगी कहां पर, इस डी के और इस ई के जो वारिस है, कौन है, इस बी के अलावा, जिसे मान लिया जाए कि इसके इस बी का कोई भाई है, ठीक है, कोई इसका भाई है या इसकी कोई बहन है, ठीक है, या इसकी अन्य कोई बहने है या अन्य कोई भाई है, तो उन लोगों को यह संपत्ति चली जाएगी। अगर भाई बहन नहीं है, इस बी के अगर कोई भाई बहन नहीं, इस पत्नी के अगर, इसके पियर में अगर कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भाई के पुत्र को चली जाएगी, बहन की पुत्र या पुत्रियां जो है उनको ये संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन वह संपत्ति जो है पति को कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और इस प्रकार के प्रावधान जो दिए गए, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।